बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर त्रुटि संकेत है, कुछ हद तक छलबल कौशल भी यहाँ पर उपयोग करता है, लेकिन यहाँ पर पैनी निगाहों की एक नजर है लोचू के द्वारा, एक अच्छा मैच रेफरी के तौर पर उभरते हुए इस क्षेत्र के, और एक अच्छी फुटबॉलर है और एक अच्छी पहचान है। एक आज हमारे साथ जो मैच ऑफिशियल का जो जिम्मेदारी, लक्ष्मण की बात करें, शिव शरण की बात करें, अर्जुन की बात करें, बहुत ही इतने मजे हुए खिलाड़ी और गोलकीपर के साथ साथ उनका आज अहम भूमिका रोल को अदा किया है, उसमें हर एक मुकाबले को काफी साफ सुथरी आज संचालन करते हुए सेमीफाइनल का मुकाबला हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर सनडी एफसी ब्लू एंड व्हाइट जर्सी पर नजर आ रही है, वही भागवत बाबा नौका राजनगर की बात करते ब्लू एंड तोते कलर की तरफ से यानी लाइट ग्रीन दर्शन नजर आते हुए यहाँ पर बागुत बाबा नौका राजनगर टीम के खिलाड़ी। एक मौके बनता हुआ यहाँ पर बाली गेंद के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर रवि ने उसको रोका गया, कोई मौका नहीं देना चाहिए। इस बार दोनों टीम से यहाँ पर एक स्कोर को तराशना चाहेगी, क्योंकि उनको ग्रैंड फिनाले में शामिल होना है, खिताबी रणनीति खेल पर उनको अपने आप को आगे लेकर आना है, उस तरह पर खेलने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी बिल्कुल कमर कश लेनी होगी कि इस 10 मिनट के मुकाबले में एक स्कोर दूसरे टीम के खेमे से चुरा कर अपने टीम के लिए लीड बनाना होगा। बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पर दर्शक सत्य नजर गड़े हुए हैं कि आज कौन से टीम उभर कर आते हैं, क्योंकि एक टीम फाइनल पर पहुंच चुका है, एक साल्डी और देखते हैं कि सी फाइनल का अरे पर मौका आने के बेहद है, हालांकि वो पोजीशन नहीं बना पाए। बिल्कुल अभी भी मैच कॉर्नर के क्षेत्र में पर बागुर बाबा नौका एक बड़ा की खेला चाहा और सीधे नंदू सरदार के लिए, और नंदू सरदार यहाँ पर गेंद के साथ आगे बढ़ेंगे जरूर, इस बार मौके की तलाश रही है, यहाँ पर सामने बाल जरूर था बाले के लिए गेंद, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर सेनेडी के जो हट्टे कट्टे 8 नंबर के जो डिफेंडर बचे हुए पर गेंद को ब्लॉक किया गया, इंटरसेप्शन देख रहे हो यार की तरह की कॉर्नर होते हैं बाहर। बिल्कुल और देखते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर गोलकीपर का एक अच्छा कलेक्शन है ग्रिपिंग, तो चलिए एक साल्डी आपसे निवेदन है कि फाइनल के मैच के लिए आप भी पूरी तरह से जोश मरोस से एकदम ताजा तारीन होकर चले आएंगे धीमे धीमे कदमों के साथ, समय बहुत कम है, इसलिए आपसे निवेदन विनती करना चाहेंगे कि आप फाइनल के खेल के लिए पूरी तरह से ग्राउंड के समीप चले आएंगे। एक के एस साल्डी 10 मिनट के ये मैच है, 10 मिनट के बाद आज का फाइनल मैच का महामुकाबला खेला जाएगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जितनी जल्दी आएंगे उतनी ही अच्छा एक बेहतरीन आपका परिचय होगा एक एस साल्डी, क्योंकि एक एस साल्डी के अगर एक इतिहास के पन्नों पर अगर पलटा जाए तो एक अच्छा बेहतरीन उसका डिसिप्लिन रहा एनबीसी तितरबिला के ग्राउंड पर। इस टूर्नामेंट की बात करें या स्वतंत्रता दिवस की टूर्नामेंट की बात करें, उसका अलग ही रुतबा अलग ही अंदाज रहता है डिसिप्लिन के मामले में, खेल के मामले में या इसका ऐतिहासिक के मामले में। बिल्कुल बिल्कुल एक अलग ही रुतबा हमें आज देखने को मिला, बहुत ही अच्छी कला तकनीकी और तजुर्बे को पेश किया आज एक साल की टीम के खिलाड़ी ने, यानी कि 5 से 6 मिनट के दरमियान में 4 गोल दागना, ये उम्मीद ही नहीं, ये एक चमत्कारी ही यहाँ पर आज लेकर आया एक साली टीम को, आज पूरी तरह से फाइनलिस्ट टीम बनता हुआ आज एक साली इस एक दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में। बिल्कुल इसलिए एक साली प्रेम आप अपने टीम को लेकर मेडिकल जोन पर लेकर चले, और यहाँ पर एक अच्छा मौका, लेकिन यहाँ पर अलग उछाल एफर्ट यहाँ पर देखने को मिला है, हालांकि यहाँ पर कोई खतरे के संकेत नहीं है, लेकिन यहाँ पर पुनः कॉर्नर का मौका मिला है। तो चलिए प्रेम एक साल्डी के टीम मैनेजर आपसे निवेदन है कि आप अपने खिलाड़ी को तुरंत या तो शीघ्र हमारे इस लाइनअप जोन पर लेकर चले आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग खुशी तो जाहिर करेंगे ही, क्योंकि पिछले मुकाबले जिस तरह से मतगारी खेल खेला है और काफी और गेंद को फ्लिक हेडर लगाने का कोशिश किया यहाँ पर कुमार चूडू ने, अपना और एक कॉर्नर बनता हुआ यहाँ पर सनडी एफसी टीम के लिए, लगभग लगभग खतरा मंडराते हुए इससे इस समय यहाँ पर संध्याकालीन बेला में और थोड़ी सी एक पागलपन का भूत सवार लानी होगी इस मुकाबला में, तब तक स्कोर साझ होगी एक खेल के द्वारा फिलहाल। और यहाँ पर सनडी एफसी बिल्कुल बिल्कुल और यहाँ पर रुकना चाहूंगा, जो भी गोल करेंगे उसको 101 रुपए का नगद राशि। बिल्कुल तो चलिए यहाँ पर जो भी गोल करेंगे सेमीफाइनल में 101 रुपया, और यहाँ पर देखने को मिल अच्छी हेडर, लेकिन यहाँ पर
फुटबॉल प्लेयर भी हो चुका है। तो यहाँ पर 101 के समीप पहुंच चुके हैं। नंदू सरदार पिछले मुकाबला में 101 रुपया वो अपने आप को ले चुका था कि पिछले मुकाबला के बिल्कुल पहला गोल दाता के लिए। और इस बार भी अगर गेंद के साथ अगर नंदू सरदार बॉक्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पे 101 रुपया उनके लिए जा सकता था, लेकिन इतने की एक बड़ा असफल यहाँ देखने को मिला साथी खिलाड़ी के लिए। लेकिन काफी हैवी टैकल रहा गेंद, बाले पूरी तरह से उस गेंद को अनुभव ही नहीं कर पाते, गेंद को ले हम कंट्रोल पर रख पाए या खेल में रख पाए, इसलिए उचित समझा कि भाई गेंद जाने दें ताकि हम थोड़ा सा राहत के साथ रहेंगे। इस बार एक गोलकीपर के साथ मैच की शुरुआत करेंगे यहाँ पर टीम सिलनी एफ सिटी। आक्रमण करने की तैयारी करते हैं यहाँ पर बागो कबा नौका के खिलाड़ी, इसमें मौके की तलाश रही है लेकिन सामने हेडबॉल का इशारा करते हुए यहाँ पर लक्ष्मण मैच ऑफिशियल और एक फ्री किक का मौके मिलेंगे। और इस समय यहाँ पर नियम 13 के अनुसार एक फ्री किक का मौका मिलता है यहाँ पर सेड एफ से, लेकिन उस फ्री किक में बहुत ज्यादा परिणाम नहीं निकले। इस बार कुमार गेंद के साथ आक्रमण की कोशिश करते हैं पर साथी खिलाड़ी ने बिलिंगर जोड़ के खाने पर नंदू सरदार गेंद को बिल्कुल कंट्रोल किया है और यहाँ से छोर को पकड़ा सीधी साइड को छींच गया 8 नंबर के खिलाड़ी। और इस समय यहाँ पर छोटी छोटी पास मालिक पूरी तरह से पोजीशन पर नहीं नजर आ रहे थे, लेकिन ये तो खेल में रखने के लिए बिल्कुल भरपूर प्रयास कर रहे थे प्रभार, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी नाकामयाबी होता हुआ गेंद चले के मैदान से बाहर। बिल्कुल एक साल धीमे धीमे कदमों के साथ चले आएंगे क्योंकि 10 मिनट का खेल है, इसलिए आपसे निवेदन है कि हमें समय पर सेटअप करेंगे। एक साल भी आपसे निवेदन है कि आप चले आएंगे। और इस बार बाबरे बास्केट के लिए मौके बनता हुआ यहाँ पर बाले, और वाली एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, एक ऊर्जा ऊर्जावान खिलाड़ी है बाले, कई सारे कमिटमेंट को सीरीज का दावेदार कर रहा है, हाई स्कोर का भी दावेदार कर रहा है। और आज थोड़ी सी उनकी गतिविधियां को देखा जाए तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्कोर को दाग नहीं पाया व्यक्तिगत स्कोर, हालांकि फिलहाल इस बार बाले बास्केट का गेंद यहाँ पर पूरी तरह से उनको गलत से टैकल किया गया हाथ से, और नतीजा यहाँ एक सेट पीस का मौके मिलेंगे। और यहाँ पर नारायण टुडू और शायद किक लेंगे यहाँ पर रवि टुडू। जी हाँ, आमने सामने नारायण थे, रवि थे, कुंवर है अभी कुंवर टुडू या रवि टुडू, यहाँ पर शायद रवि किक लेना चाहेंगे 7 नंबर पर बगुन पापा नौका के लिए। जी हाँ, 10 गज की दूरी पर वार्डमैन आर्मी की तरफ यहाँ पर एक वाल को बनाते हुए और एक अच्छा क्रॉस यहाँ पर एक आउटपुट फूडर किक लिया गया था, हालांकि हेडर की कोशिश अच्छी थी, पूरी तरह से गेंद को भाप नहीं पाया, दिशा निधि पे कांटेक्ट नहीं ले पाया सर से और गेंद चली गई मैदान से बाहर। बिल्कुल, इसलिए एक साल भी मैच समाप्त की ओर, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जितनी जल्दी हो सके अपने टीम को लेकर फाइनल के लिए चले आएंगे। एक साल भी बिल्कुल बिल्कुल, ये 10 मिनट का मुकाबला चल रही है और मतंतर बिल्कुल यहाँ पर 10 मिनट का मुकाबला, और मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी क्रॉस होगी, उम्मीद होगी जमीन गेंद, लेकिन यहाँ पर कुमार ने गेंद रिलीज किया साथी खिलाड़ी के लिए, एक खतरा टूटता हुआ यहाँ पर फर्स पर बालक के लिए गए, बालक गेंद के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, बाएं तरफ से आक्रमण करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। हमारे सामने नंदू जरूर है, नंदू के साथ खेला है यहाँ पर, नंदू ने मिस किया, यहाँ कुमार के लिए मौके बनेंगे, लेकिन रिफ्लेक्शन हुआ गेंद और इसी के साथ यहाँ समय की परी समाप्त हुई है और